वो कहते हैं ना कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। तो फाइनली इंडिया में 5G लॉन्च हो चुका है जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो पीएम मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने लॉन्च किया है 5G को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के दिन। अब शुरू शुरू में मैंने एक लाइन बोली थी, देर आए दुरुस्त आए, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में तो 5G अब आया है और जो बाकी दुनिया है ना वो 5G पता कब से यूज़ कर रही है, 2019 से यूज़ कर रही है। तो कितने साल का अंतर हो गया आप लगा सकते हो यहाँ पे, भारत कितनी पीछे रह गया है इस मामले में। देर आए दुरुस्त आए, भारत आज दुनिया के उन देशों में है जहां डेटा इतना सस्ता है। सबसे पहले जो लॉन्च किया था ना 5G, वो किया था सऊदी अरेबिया ने अपने कंट्री में। तो 2019 में जब सऊदी अरेबिया में लॉन्च हुआ और आज आप देख सकते हो 2022 खत्म होने की कगार पे है, तब जाके इंडिया में लॉन्च हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो इस मामले में हम पीछे रह गए थे, तो शुक्र है हमारे इंडिया में भी 5G लॉन्च हो गया है। पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, हम मतलब आम आदमियों को क्या क्या बेनिफिट्स होंगे इस 5G नेटवर्क से, क्या 4G और 5G में कंपैरिजन करेंगे कि क्या 5G रियली बेटर है मतलब कि 4G से, या बस ऐसे ही 4 में प्लस 1 कर दिया और 5 बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर जरूर कर दें जहां तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, अपने माता पिता, अपने भाई बहन और अपनी बंदी के साथ। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत में 5G लॉन्च हो चुका है, वहीं दूसरी ओर जियो जो हमारे जियो वाले साहब हैं अंबानी साहब, उन्होंने ये वादा कर दिया है कि आपको 5G नेटवर्क के मतलब जो 5G पैकेजेस होंगे ना इंटरनेट के, वो चीपेस्ट से चीपेस्ट रेट में प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब लोएस्ट रेट में पूरी दुनिया से। अब उन्होंने ऐसा बोला है तो करके तो दिखाएंगे भाई, क्योंकि 4G के टाइम पे ना, जब 4G चला है ना जितना इंडिया में, वो खाली अंबानी की और जियो की वजह से ही चला है, नहीं तो 4G को कोई नहीं पूछता। आप सोच के देखो, एक टाइम ऐसा था कि मतलब कि 1 GB इंटरनेट भी 150 रुपये का मिलता था, जैसे एयरसेल का हो गया, मतलब एयरटेल का 149 का पैक आता था, उसमें क्या होता था 1 GB मिलता था आपको एक महीने की वैलिडिटी के साथ, और आज की डेट में आपको मतलब अनलिमिटेड मिलता है, मतलब इतने में 200 रुपये में अनलिमिटेड हो जाता है, मतलब 30 दिन के लिए अनलिमिटेड हो जाता है, 1 GB आपको रोज़ मिल जाती है या 1.5 GB मिल जाती है। तो कितना सस्ता इंटरनेट कर दिया गया, ये सिर्फ और सिर्फ जियो की वजह से हुआ है। जियो ने पहले फ्री में प्लान देने शुरू किए, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस बढ़ाया, स्ट्रेटेजी की अपनी लगाई है, थोड़े थोड़े प्राइस बढ़ाए, लेकिन फिर भी भाई अभी आप पाकिस्तान के मुकाबले देख लोगे ना, कोई और कंट्री के मुकाबले भाई बहुत सस्ता इंटरनेट है अपने इंडिया में। लोग स्पेशल 3G से 4G इसलिए शिफ्ट हो रहे थे क्योंकि फ्री इंटरनेट मिल रहा था, ऐसे लोग नहीं शिफ्ट होते क्यों? आप ही सोच के देखो, जो बंदा 3G सिम चला रहा है और सेम उतने का इंटरनेट पड़ता तो क्यों बंदा शिफ्ट होता? भाई इन्होंने फ्री में देना शुरू किया इंटरनेट, तब जाके बंदे स्पेशल फ़ोन लेने लगे 10-10 हज़ार का। ये नहीं कि भाई इंटरनेट लगवा लें 10 हज़ार का, बंदे फ़ोन लेने लगे स्पेशल 10 हज़ार का कि हम 4G फ्री में। तो ये वैल्यू होती है फ्री चीज़ की, अगर कोई फ्री में बट रही हो ना चीज़, तो चाहे बंदे को नहीं पता महंगी पड़ रही हो लेकिन मतलब फिर भी लेगा यार, क्योंकि फ्री है यार, फ्री वाली चीज़ नहीं छोड़ते इंडिया वाले। तो ऐसा ही अगर कुछ ना मतलब इस टाइम हो गया ना, मैं समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर फ्री फ्री कुछ दोबारा हो गया ना ऐसा जियो की तरफ से सिस्टम, तो भाई मैं कह रहा हूँ बवंडर आ जाएगा, बवंडर बंदे ऐसे शिफ्ट होंगे 4G से 5G में। चलो ये तो होगी इंडिया के 5G की बात की, मतलब चलो हो गया लॉन्च कैसे भी करके इंडिया में। लेकिन अब आप पूछोगे कि हमसे पहले कितने देश हैं जिन्होंने 5G लॉन्च कर दिया अपने देशों में? भाई 70 देश हैं, 70 देशेज हैं, 70 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने देश में मतलब 5G लॉन्च कर दिया है हमसे पहले। आप देख सकते हो यहाँ पे सामने मैप में कनाडा, US, यूरोप पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे, साउथ कोरिया हो गया, फिर अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, और भी डार्क ब्लू वाले जो पार्ट्स आप देख रहे हैं, डार्क ब्लू वाली कंट्री है, उन सब में हो चुका है लॉन्च। जी हाँ दोस्तों, 5G इतनी सारी कंट्री में लॉन्च हो चुका है और इंडिया में अब जाके हम कर रहे हैं लॉन्च। और इन्हीं सब को लेके ना लेट के कारण ये बात अंबानी जी ने भी कही कि चलो यार मान लिया कि लेट शुरू हुआ है इंडिया में, लेकिन हम ख़त्म पहले करेंगे, टावर सबसे पहले लगा के मतलब हैं पूरी तैयारी के साथ देश में 5G लॉन्च करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आर्टिकल में अंबानी ने जो बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंडिया में हैव स्टार्टेड लिटिल लेट बट वी विल फिनिश फर्स्ट। मुकेश अंबानी प्रॉमिसेस जियो 5G अवेलेबिलिटी अक्रॉस इंडिया बाय दिसंबर 2023। भाई अभी कौन सा महीना चल रहा है मेरे को जल्दी से बताओ, अक्टूबर चल रहा है ना, अक्टूबर स्टार्टिंग चल रही है अभी, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब 2-3 महीने के अंदर अंदर पूरे इंडिया में 5G नेटवर्क की अवेलेबिलिटी करवा देंगे ये। अभी सोच सकते हो आप कितनी मतलब इतनी तो जल्द, चलो मान लो 2019 में लॉन्च हुआ था उनका, इतना टाइम तो उनको भी लग ही गया होगा पूरे देश में फैलाने में, और हमारे देख सकते हो यहाँ पे कितनी फास्ट काम होगा यहाँ पे। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो पहले 5G जो ये मतलब जो 5G वो होता है ना नेटवर्क,
उसकी मतलब बिडिंग होती है पहले कि कौन कौन सी कंपनी इसको इस्तेमाल में लेगी, कितना इस्तेमाल में लेगी, और उसके लिए मतलब बिडिंग होती है। तो वहाँ बिडिंग में जब बिडिंग हुई ना 5G नेटवर्क की, तब भी मेजर पार्ट जो गया वो जियो के पास ही गया। तो अभी फिलहाल की बात करें ना तो इंडिया को, पूरे इंडिया को मिला के जो मतलब एयरटेल और जियो है अपने, मतलब जो दो ही मेन कॉम्पिटिटर है यहाँ पे, तो ये अभी फिलहाल जो लॉन्च हुआ है ना तो उसमें ये 13 स्टेट्स में लॉन्च कर देंगे, जो मेजर सिटीज़ है ना, कलकत्ता हो गया, दिल्ली हो गया, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जो मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे 5G नेटवर्क अभी से लॉन्च कर देंगे। और दिसंबर मतलब आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर पूरे इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा 5G नेटवर्क। आप जो कि आम आदमी हैं, चाहे इंडिया के किसी भी कोने में, आप 5G नेटवर्क का आनंद ले पाएंगे। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, जो 13 शहर का मैंने नाम लिया जहाँ पे 5G नेटवर्क अभी से अवेलेबल होना शुरू हो गया होगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, लखनऊ, पुणे, गांधीनगर, अहमदाबाद, जामनगर, तो ये सारी मतलब स्टेट्स हैं, जो सिटीज़ हैं, यहाँ पे 5G नेटवर्क अभी से आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि कोई फ़र्क दिखा आपको। अभी आगे इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि मैं कह अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बताओ हमें कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ऑन पेपर तो बहुत कुछ कहा जाता है लेकिन जब हम प्रैक्टिकली उसे यूज़ करते हैं ना तब हमें असलियत का पता चलता है कि भाई कितना पानी में है, कितना कितना हवा में है। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई 5G और 4G में क्या डिफरेंस है। भाई जो 5G कहा जा रहा है ना वो 4G से 100 टाइम्स फास्टर, ऐसे कहा जा रहा है 100 गुना, भाई 100 गुना फास्टर है 4G से। अगर 3G में आपको स्पीड देखने को मिलती थी 384 kbps की, जो कि लॉन्च हुआ था, अब 3G की मैं बात करूं तो वो लॉन्च हुआ था 2001 में, उसमें आपको मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलती थी 384 kbps, kbps की बात कर रहा हूँ मैं, MB नहीं, आधी MB भी नहीं है ये, 384 kbps है। वही अगर 4G की बात करें तो वहाँ पे आपको 100 mbps की स्पीड देखने को मिलती थी, जो कि लॉन्च हुआ था 2009 में। जी हाँ दोस्तों, 2009 में लॉन्च हुआ था ये। और 5G की बात करें तो उसमें आपको स्पीड देखने को मिलती है, गैस करके बताओ एक बार, कमेंट सेक्शन में बता दो एक बार, एक बार हो ही जाए मतलब है। 5G के अंदर आपको देखने को मिलती है स्पीड 10 gbps की, भाई साहब। अब ऑब्वियसली इतनी आपको मिलेगी नहीं, मतलब ठीक है नहीं मिलेगी यार, गारंटी इंडिया में तो शर्त तक नहीं मिलेगी, क्योंकि 4G यहाँ पे देख सकते हो आप 100 mbps की स्पीड बोला जा रहा है। हमें मेरे को खुद जो स्पीड मिलती है ना वाईफाई में, वाईफाई की बात कर रहा हूँ, मैंने अनलिमिटेड वाईफाई लगवा रखा, तब मेरे को स्पीड मिलती है मैक्सिमम 15 की 16 की, और यहाँ पे 100 mbps लिखा हुआ है, तो इतनी तो यार ऑब्वियसली नहीं मिलेगी। लेकिन जो यहाँ पे 5G की बात करें हम, यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है 10 gbps की, तो अगर इसका मतलब 20 या 30% भी स्पीड मिलगी ना तो भाई मतलब इंडिया में कितना तेज चलेगा इंटरनेट, आप सोच के देख लो। क्योंकि अगर 4G, जैसे 4G क्लेम करता है कि 100 mbps की स्पीड है, तो हमें मतलब 15-20 तक की देखने को मिलती है, हम आम आदमी को, मतलब मेरे को, मैंने नोटिस किया 20 तक की मेरे को देखने को मिल जाती है। अब वहीं अगर 10 की होगी, 10 gbps की होगी, तो 20 gbps की तो मिलेगी कम से कम, भाई बहुत तेज होता है इंटरनेट इतना। अब आपने सुना होगा कि ओकला करके एक ऐप होती है, या फिर मतलब कि एक वेबसाइट भी है गूगल पे, अगर आप सर्च मारोगे तो वहाँ पे आप अपनी स्पीड जो है ना, अपने इंटरनेट की स्पीड चेक कर सकते हो, चाहे आपने वाईफाई लगाया, चाहे आपने मोबाइल डाटा, जो भी है आप स्पीड की मतलब टेस्टिंग कर सकते हो। तो इसने एक मतलब लिस्ट जारी की थी, एक इंडेक्स जारी किया था, मतलब स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स, जहाँ पे कि मतलब इसने कंपेयर की थी कि मतलब पूरे कंट्री में जो एवरेज स्पीड है ना किसी भी कंट्री की, तो वो उस बेस पे इन्होंने लिस्ट निकाली थी, और वहाँ पे इंडिया रैंक किया था 125th रैंक पे। आप अंदाज़ा लगा सकते हो इतनी कंट्री में इंडिया आया था 125th रैंक पे, तो वो स्पीड की ना कहीं कमी हमें मिल रही थी देखने को। तो इसीलिए अब ये 5G जो है वो ये इस कमी को पूरी करेगा। अब इंडिया की एवरेज मोबाइल स्पीड की बात करें ना, डाउनलोड स्पीड के बारे में, मतलब कि जो आपको देखने को मिलती है, तो वो पूरे इंडिया की एवरेज स्पीड है 15 mbps के आसपास, ठीक है, जो कि पिछले साल थी 2021 में। इस साल जो बढ़कर हो गई है वो हो गई 20 mbps, मतलब कि 20 mbps तक स्पीड, मैंने आपको बोला ना कि मेरे वाईफाई में भी इतनी आ जाती है, 20 mbps तक की आ जाती है, जो कि हमने 4G वाला लगवा रखा है, तो उसमें 20 mbps तक की स्पीड देखने को मिल जाती है। अब यही अगर 5G आ जाएगा तो आप सोच सकते हो कितनी मतलब इंक्रीज़ हो जाएगी स्पीड में, और कितनी तेज़ डेवलपमेंट होगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं, आपको लग रहा होगा ना कि यार तेज़ इंटरनेट लेके क्या कर लेंगे, हमने चलाना वही है YouTube, तो फिर भी उसमें भी लैग नहीं होता, 15 mbps वाली स्पीड में भी लैग नहीं होता। तो भाई YouTube से हटके भी बहुत बड़ी दुनिया है। इस 5G नेटवर्क के ना बहुत फायदे हैं, जितना स्पीड इंटरनेट होगा ना, जितनी स्पीड कनेक्टिविटी होगी ना, उतना ही बहुत ज़्यादा। आप जो वीडियो कॉल करते थे ना उसमें आपको 4G में आपको कहीं ना कहीं लैग देखने को मिल जाता होगा, इसमें पूरी क्लियर कट वीडियो हुआ करेगी, वीडियो कॉल हुआ करेगी आपकी, चाहे आप किसी भी देश के किसी भी कोने में बैठे हो, बस आपको एक 5G नेटवर्क चाहिए। और जो दूसरी चीज़ होगी ना कि आप मतलब जो गैजेट्स होते हैं ना उनमें लेटेंसी होती है एक चीज़, जैसे हम पबजी खेलते होगे, आपने देखा होगा, आपने गन पहले मार दी, मतलब बटन दबा दिया आपने, शूट कर दिया, लेकिन गोली उसको मतलब 2-3 सेकेंड बाद जाके लग रही है, तो उसको कहते हैं लेटेंसी। मतलब आपने एक्शन पहले कर दिया लेकिन उसका रिएक्शन थोड़ी देर बाद हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, इंटरनेट की स्पीड कम थी इसीलिए वहाँ पे लेटेंसी आ गई। यहाँ पे इंटरनेट की स्पीड जब बढ़ जाएगी ना
तो लेटेंसी मतलब इतनी एक्यूरेसी मतलब होगी ही नहीं, मतलब जीरो के बराबर होगी, और इतनी एक्यूरेट होगी ना, एक्शन इतने एक्यूरेट होंगे आपके, तो ये किस काम में आएगा? जैसे कि आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं तो हमारे वहाँ पे कितने सारे सोल्जर मर जाते हैं, आपको पता होगा कश्मीर वाली साइड हो गया, बॉर्डर पे हो गया, कितनी जगह हमारे कितने सारे सोल्जर मर जाते हैं। तो इसकी जगह अगर हम मशीन्स को रिप्लेस कर देना कि मतलब हमने कोई ड्रोन बना दिया, ड्रोन है हमारे पास मान लो कि मतलब उसमें वेपन अटैच कर दिया हमने, और मतलब किसी घर में आतंकी छुपे हुए हैं, तो हम कितनी मतलब कितनी तेज़ी से ऑपरेट कर पाएंगे और कितनी दूर तक ले जा पाएंगे उस ड्रोन को, और जो मतलब लाइव रिकॉर्डिंग, ड्रोन में कैमरा भी लगा होता है, उसमें लाइव जो फुटेज आएगी उसमें कोई लेटेंसी नहीं होगी, कितनी मतलब तगड़ी उसमें कनेक्टिविटी होगी, और बिना सोल्जर के हम ड्रोन से ही उन आदमियों को मार पाएंगे, और कोई रिस्क भी नहीं होगा। मतलब आप देख सकते हो कि सोल्जर खाली दूर बैठ के ना खाली ड्रोन ऑपरेट कर रहे होंगे, और सब ये सब चीज़ें हो रही होंगी खाली 5G नेटवर्क की वजह से। अब आप यहाँ पे सोच के देखो, अगर इसमें लेटेंसी होती तो क्या होता कि मतलब ड्रोन वहाँ पे पहुँचता, ठीक है, और मतलब वहीं पे थोड़ा सा अगर डिले हो जाता, हमने मतलब कि उसको ड्रोन को राइट में मोड़ा और वहाँ पे थोड़ी सी लेटेंसी होगी, लेट हो गया थोड़ा, इतनी देर आतंकवादी ने देख लिया और उसने ड्रोन को शूट कर दिया, तो वहाँ पे ये चीज़ कुछ मतलब फ़ायदेमंद हुई नहीं। तो इसीलिए 5G नेटवर्क यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसी को मतलब दर्शाते हुए ना पीएम मोदी ने एक वीडियो भी प्रेजेंट की, मतलब जिस दिन 5G लॉन्च हुआ ना उस दिन उन्होंने एक वीडियो भी प्रेजेंट की, जहाँ पे आप देख सकते हो कि वो इंडिया में बैठ के कार चला रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में बैठ के कार चला रहे हैं। आप बोलोगे क्या बड़ी बात है, लेकिन कार इंडिया में नहीं चल रही है, कार चल रही है यूरोप में। अब आप बोलोगे अबे क्या दिमाग होगा, खराब हो गया तेरा, क्या बैठा है इंडिया में कार यूरोप में चला रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ आपको, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कंपनी है मतलब कि क्वालकॉम, जो आपने सुना होगा प्रोसेसर बनाती है, स्नैपड्रैगन वगैरह वगैरह जो आपके फ़ोन में प्रोसेसर लगे होते हैं ना, वो सारे मतलब चिप्स बनाती है। तो इसी ने एक मतलब ये मतलब कार बनाई है जो कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड है, और जो कि मतलब इतनी तेज मतलब ये अब ये सब काम कैसे हो रहा है, ये सब हो रहा है 5G नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। इतनी स्पीड जो इंटरनेट है ना कि है, इसमें जीरो लेटेंसी हो रही है। जैसे ही थोड़ा सा मोदी जी हैंडल मोड़ रहे हैं ना गाड़ी का, वैसे ही थोड़ा सा टायर मुड़ जा रहा है, मतलब उतनी तेज़ी से टायर मुड़ जा रहा है पूरी एक्यूरेसी के साथ। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताया ना, जब आतंकवादी गतिविधियाँ होती हैं जब हमारे देश में, तो उन सब चीज़ों में ये सब काम आया जा सकता है कि बिना इंसान की प्रेजेंस में, बिना सोल्जर की, आर्मी की प्रेजेंस में, मतलब दूर होके हम ये सब चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं किसी मशीन के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि हमारे सोल्जरों की जान भी बचेगी, और इतने मतलब फ़ायदे हैं ना इस टेक्नोलॉजी के। तो आप ये पूरी वीडियो देखिए पहले, ये जो मोदी जी ने गाड़ी चलाई है अपनी हैवी ड्राइवर वाली, ठीक है, पूरी वीडियो देखिए और सुनिए। पीएम मोदी ने खुद शेयर किया वैसे तो ये दे रहा है, जो प्रधानमंत्री खुद ये एक्सीलेटर प्रेस करते हुए उस गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये स्वीडन में जो हेडक्वार्टर है क्वालकॉम का, वहां पर ये पूरा ऑपरेट हो रहा है, और उस गाड़ी को आप कहीं भी मूव कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये जो गाड़ी देखिए, व्हील आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और स्टेयरिंग इस पर प्रधानमंत्री स्टेयरिंग पे बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल रिमोटली कंट्रोल्ड। और आप देखिए, ये पीछे जाने की कोशिश हो रही है, गाड़ी को पीछे की कर रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसके बाद कैसे इसको रिमोटली ऑपरेट करके आप बचाते हुए जैसे जिस तरह भी आप ले जाना चाहें गाड़ी को, आप आराम से रिमोटली ले जा सकते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी का डेमोंस्ट्रेशन किया जा रहा है कि कैसे आप इतनी दूर बैठे स्वीडन के हेडक्वार्टर में आप इस गाड़ी को आराम से यहाँ से चला सकते हैं। और इसका यूजर केस जो मैं आपको बता रहा था कि हैजार्डियस प्लेस पे, जहाँ पर मान लीजिए टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं, जहाँ पर पुलिस को इस्तेमाल करना है, जहाँ पर किसी पुलिसमैन की जान खतरे में न डाली जाए, वहाँ पर ऐसे जो रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है टो लेने के लिए कि वहाँ पर कोई वाकई खतरा है या नहीं। माइंस जहाँ पर एक्सप्लोसिव्स लगे हो सकते हैं, डिफेंस में इसका यूज केस हो सकता है। तो दोस्तों ये रही 5G नेटवर्क की पावर, आपको कैसे लगी हमें जरूर बताना, ठीक है। और अगर आप 5G नेटवर्क यूज़ कर रहे हो तो हमें स्पीड के बारे में मतलब जो एक्चुअल स्पीड आपको मिल रही है ना वो बताना हमें, ठीक है। जो ऊपर लिखा होता है ना कि जब आप इंटरनेट चलाते हो तो वो टावर के ऊपर बने आते हैं, मतलब सिंबल लिखा होता है कि इतनी स्पीड आपको एक्चुअल में मिल रही है, कितने KBPS कितने MBPS की स्पीड मिल रही है, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मतलब कितनी ही आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी में स्पीड मिल रही है अपने फ़ोन में। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।